तो जितने भी जूम पे हमारे साथ कनेक्ट हैं, हमें पता होना चाहिए कि क्रिसमस जो हमारा मंथ है, सेलिब्रेशन का मंथ है, सुसमाचार का मंथ है, और लोगों को बताने का महीना है कि हमें इस महीने में क्या करने की ज़रूरत है। हालेलुया। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ और वो अधिकार को उसने अपने लोगों को छोड़ा, लोगों को दिया, उसी अधिकार को जानते हुए पहचानते हुए आपने उसके काम को पूरा करना है। यूहन्ना 1:10 में देखते हैं हम इस वचन को, जहाँ लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वह न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हैं तो जैसे पहली लाइन में, पहले वर्स में लिखा हुआ है कि वह जगत में था, वह जगत में आया पर लोगों ने उसे नहीं पहचाना। आज भी उस सुसमाचार का काम, परमेश्वर के जन, वो चीज़ें जो यहोवा ने अपने लोगों को दी, वो काम जगत में है पर वो लोग, वो जगत उन कामों को पहचानता नहीं है, कामों को जानता नहीं है, कामों को जानने की कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि शैतान जो उनको पकड़े हुए है। तो एक मसीह होने के नाते, एक पार्टनर होने के नाते ज़रूरत बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें बताएं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उन्हें बताएं कि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन के लिए क्या है, उन्हें बताएं कि वो जगत में आया। यीशु का जगत में आना कोई धर्म को बनाना नहीं था, परंतु अधिकार को, ताकि वो जो अधिकार शैतान का उनके जीवनों के ऊपर है, उस अधिकार को हटाना था, और उस रिश्ते का जो प्रभु यीशु का एक मनुष्य के साथ, परमेश्वर का मनुष्य के साथ था, उस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए था। हालेलुया। तो सुसमाचार क्या है? लोगों को बताना कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर तुम्हारे लिए इस जगत में आया, और उन्हें बताना कि जो कुछ उत्पन्न हुआ वो परमेश्वर के द्वारा हुआ। आप परमेश्वर के द्वारा बने, हर एक चीज़ परमेश्वर के द्वारा बनी, आपके काम, आपकी सोच, आपके पीढ़ियाँ, शुरुआत से लेके अब तक हर चीज़ परमेश्वर के द्वारा बनी। तो एक एक वर्ड्स जब मैं इसको पढ़ रहा था, मुझे टच कर रहा था, और बताने के लिए आपको कि एक एक वर्ड जो आप सुन रहे हो उसको, वो एक सुसमाचार का वर्ड है कि परमेश्वर आए पर लोगों ने नहीं पहचाना। आप जब लोगों के पास जाते हो, उन्हें बताते हो यीशु, तो बोलते हैं यीशु कौन? आपने उन्हें बताना है। जब आप इसको 13 में पढ़ो तो वे ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया, हालेलुया। और 12 में जब देखते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। लोग इस चीज को नहीं जानते, पर जानना जरूरी है, सुसमाचार करना जरूरी है कि जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, जितने लोग उस पर भरोसा रखते हैं, तो उसने क्या किया? यीशु ने, उसके नाम ने क्या किया? आपके सुसमाचार ने क्या किया? हाँ, इस विजन में क्या हुआ? उनको वो अधिकार मिला, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार यहोवा ने दिया, यीशु ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सुसमाचार जो आपको करना ज़रूरी है, हो सकता है वो एक्सेप्ट ना करें, हो सकता है वो आपकी ना माने, पर ज़रूरी है आपका प्रचार करना, ज़रूरी है आपका बताना। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग आपके सुसमाचार को सुनेंगे, जितने लोग परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, जितने लोग उसकी बातों को जानकर मानकर अपने हृदय को परिवर्तन करेंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनकर समझकर परमेश्वर के भवन में आएंगे, सुसमाचार को सुनकर उस विजन में पार्ट करेंगे, तो मेरा विश्वास है खुदावन उन्हें भी ग्रहण करेगा, उन्हें ग्रहण करके परमेश्वर के संतान होने का वो अधिकार देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत, कितना भला वो परमेश्वर है, और कितना अच्छा उसका वायदा है। इस पर विश्वास करो, विश्वास करो ताकि नाश ना हो, विश्वास करो ताकि महिमा से महिमा की ओर जाओ, विश्वास करो ताकि चंगे हो जाओ, विश्वास करो ताकि आज़ाद हो जाओ, विश्वास करो ताकि आप बढ़ो। हालेलुया। आपका विश्वास करना, एक व्यक्ति को सुसमाचार करना कि अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस समाचार जो इस दिसंबर महीने में आपने और मैंने करना है, हालेलुया, इस विजन में जब हम इस बात को बता रहे हैं लोगों को,
बता रहे हैं सुसमाचार को, हमारी टीम जा रही है दिन रात पोस्टर्स के लिए अलग अलग जगहों पे जाके, परमेश्वर के इस दिसंबर महीने में इनवाइट कर रही है सभी को। और ज़रूरी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब सुसमाचार का काम होता है तो शैतान भी उस काम को रोकने के लिए दिन रात कोशिश करता है, प्लान करता है कि इस व्यक्ति को इस पैम्फलेट के द्वारा मैंने चर्च नहीं भेजना। पर ये महीना क्रिश्चियंस के लिए, विश्वासी के लिए, पार्टनर्स के लिए ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में इस महीना रहें कि परमेश्वर जो सुसमाचार का काम हो रहा है, देखो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसे सुसमाचार की जो टीम जा रही है बताने के लिए परमेश्वर के वचन, बताने के लिए कि परमेश्वर भला है, जिंदा है, चंगा करने वाला है और किस तरीके से वो आपके लिए, इस जगत के लिए संसार में आया, उनको इन्वाइट किया जा रहा है। प्रार्थना करना आप सभी ने कि शैतान इस बीज को चुरा लेना पाए, शैतान इस सुसमाचार की आग को ठंडी ना करने पाए, उन लोगों के जीवन में जो एक बीज बोया गया है उस सुसमाचार का, उस पैम्फलेट का, उसके द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर को जाने, विश्वास आए और उस विश्वास के द्वारा उसका जीवन बदले और परमेश्वर की महिमा वो व्यक्ति करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ज़रूरी है आप सभी ने मिलकर मेरे साथ मम्मा के इस विजन में अपने पार्टेक करना है, जुड़ना है और इस विजन में लोगों को सुसमाचार करते हुए बताना है कि परमेश्वर जगत में तेरे लिए आया। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? आमीन। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये पत्री, ये दो वचन आपको बहुत कुछ समझाए हैं और विश्वास रखता हूँ कि इसके द्वारा जब आप सुसमाचार करें, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उस सुसमाचार के द्वारा उस व्यक्ति में जीवन में एक परिवर्तन को, एक हृदय बदलने को लेकर आने पाए, वो व्यक्ति बदले, उसकी सोच बदले, एक नज़रिया बदले देखने का। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सिर्फ और सिर्फ, मैं हमेशा बताता हूँ कि आपके अगुओं का काम नहीं है। यीशु ने जब चेले खड़े करे, चेलों के आके लोगों ने तैयार किए, जब तैयार होते हैं किस चीज़ के लिए तैयार? मसीह के राज्य में तैयार किस लिए किया जाता है? बढ़ाने के लिए, दूसरे व्यक्ति को उठाने के लिए और उस विजन को आगे लेके जाने के लिए। तो ये विजन जो यूनिटी का है, ये विजन जो सुसमाचार का है, रूहों को बचाने का है, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया, परमेश्वर की ओर से ये विजन दिया गया और हम उस विजन में आपको जोड़ रहे हैं, उस विजन में आपको बता रहे हैं कि उस विजन का पार्ट हो। जब आप विजन का पार्ट होते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा का पार्ट होते हैं। हालेलुया, हालेलुया।